हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इरफू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए और धमाकेदार ब्लॉग में। और आज मैं निकला हुआ हूँ नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है मेरे पीछे और इसका नाम है मरसल्ली पहाड़। ये नामकुम की तरफ पड़ता है, काफ़ी अलग सा जगह है और मैं यहाँ पे पहली बार जा रहा हूँ। और मेरे साथ आया हुआ है दानिश। दानिश जो है ना, स्कूल के टाइम से ही जहाँ पे कुत्ता दिखता और अभी वही कर रहा है। देखिए, ये सब बदमाशी चलते रहता है, बचपन का आदत है, कभी जाएगा ही भी नहीं। तो एक बार हुआ क्या था ना कि एक कुत्ता था और हम लोग स्कूल से जा रहे थे, मेरे साथ और एक मेरा फ्रेंड था, गोल्डी नाम है। तो हम लोग दोनों जा रहे थे आराम से बात करते हुए और ये कुत्ता को देखा पहले, और फिर क्या किया, ये कुत्ता को देखा और जैसे अभी ये पत्थर मार रहा ना वैसे ही मारा ना, तो कुत्ता पूरा दौड़ के हम लोग की तरफ लपक गया। और एक ऑफिस था तो हम लोग और गोल्डी दोनों जो है ना एकदम ऐसा उन लोग के पास घुसे कि बेचारा लोग डर गया उन लोग की। तो ऐसा ऐसा स्कूल में हुआ है तो अभी तक यादगार है वो सब चीज। भी अपना ही मजा है भाई, और साथ में बुलेट तो नेक्स्ट लेवल मजा। हम ले लें यहाँ से लेफ्ट। यहाँ पे पहुंचने वाले 2 किलोमीटर और अंदर जाना पड़ेगा ये रास्ते में। तो ऊपर जाने का भी टिकट तो गाड़ी लेके जाएंगे ऊपर, दे देते हैं। पहाड़ चढ़ने का भी 10 रुपया दाम है। बिजनेस भाई हर जगह है, मतलब तुम कहीं भी चल जाओ दुनिया का कोई भी कोना में, तुमको पार्किंग वाला और टिकट वाला मिल ही जाएगा। ओ यार क्या क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है सही में यार, एक नंबर भाई। मतलब कितना गजब पहाड़ है, तू सोच रहा है यार, मतलब बीच में पहाड़ है, चारों तरफ जंगल है। और ऐसा पहाड़ है कि तू बाइक भी चला सकते है इसमें। भाई ज्यादा नीचे मत जा, सही बता रहा हूँ, ढकेल भी नहीं पाएंगे ऐसा गाड़ी है, खतरनाक लग रहा है बादल। हाँ तो भाई
भाई लोग अभी हम लोग जस्ट ऊपर पहुंचे हैं और यहाँ पे क्या फील आया है यार बाइक चलाने में, क्या ही बताए दानिश, बता यार कितना एक्साइटिंग था बाबा, बहुत मजा आया। तो भाई एक ही वर्ड सिर्फ बोलना है मेरे को कि यहाँ पे बाइक उठाओ और लेके आ जाओ, क्योंकि यार आप पहाड़ में बाइक चलाओगे ना काफी मजेदार और काफी थ्रिल फील होगा। तो दानिश आप देख सकते कितना खुश है आज बुलेट चला के। अबे पत्थर मत मार। हाँ लद्दाख राइड एकदम एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड भी है। खुद दानिश कैसा लगा तुमको बाइक चला के? बहुत मजा आया भाई, एकदम लगा कि आसमान में जा रहे बाइक लेकर के। तो बहुत ही थ्रिलिंग होता है यार यहाँ पे आप सोचो ना यार पहाड़ में बाइक चल रहा कितना गजब लगेगा। आप यहाँ का पूरा सीन देखो, ऊपर इतना अच्छा मौसम, बादल, इधर जंगल, इधर पहाड़। और आपको पूरा कैमरा अगर मैं घुमा के दिखाऊं तो हम लोग अभी पहाड़ के नीचे साइड है और अभी ऊपर भी चढ़ना है। अब मेरा टर्न है बाइक चलाने का। अब ये जा रहा है राइडिंग के लिए, अब ये बताएगा अगर राइड में कैसा लगा। एक बात है पता है क्या, संडे को अगर तुमको ज्यादा दूर जाना नहीं है तो ये जगह बेस्ट है भाई तेरे लिए, क्या कि ना क्या। हाँ यार बहुत मजा आया बाइक ड्राइव करने में। तुम रांची से कितना नामकुम में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है और तुमको थ्रिल भी उतना ही मिल जाएगा। दूर जाने से अच्छा तुम इधर ही चढ़ जाओ यार पापा, पतंग भी उड़ा सकते हैं यहाँ पे। पिकनिक होने के लिए भी सही है का? पिकनिक वगैरह के लिए पिकनिक प्लेस भी है, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, ज्यादा रिस्क भी नहीं है। पूजा पाठ करना है तो मंदिर भी है, पूजा पाठ भी कर लो। और अगर ज्यादा फन करना है तो फिर डीजे लेके आओ और अपने दोस्त लोग के साथ नाचो गाओ, बोतल खोलो। हमको लग रहा है कि बारिश आने वाला, हम लोग को निकलना पड़ेगा। हम लोगों को आए हुए यहाँ पे करीब करीब आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना कि जाने का मन नहीं कर रहा है। बट आप बादल देख सकते हो, बारिश होने का पूरा संभावना यहाँ पे दिख रहा है और अगर यहाँ पे बारिश हुआ तो छुपने का जगह भी नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा आज? था मरसली पहाड़ को हम लोग एक्सप्लोर किए, काफ़ी मज़ा आया और हाँ ऑफ रोड करने में भी काफ़ी मज़ा आया है। तो जाहिर सी बात आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और हम लोगों को यहाँ पे अवार्ड अंशुमन का गाड़ी एक मिल चुका है तो हम लोग पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा फोटो शूट भी हुआ है। बाकी आज संडे राइड करने में बहुत मज़ा आया है। और हाँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो, जैसा भी लगा होगा कमेंट करिए, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
बाकी एंजॉय लाइफ, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ट है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।